नमस्कार दोस्तों, प्यार का पहला नाम राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दामिनी की जो एडवोकेट है वो लगातार राधा को फंसाने के लिए इस समय राधा के ऊपर एक से बढ़कर एक एक गलत इल्ज़ाम लगा रही है। और गलत इल्ज़ाम लगाने का मतलब आप लोग जानते हैं, क्योंकि इस समय कहानी में एक नहीं बल्कि इस समय बेहद बड़ी ट्विस्ट की कहानी देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों जो हो रहा है वो वास्तविक बेहद ज़्यादा अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी ने इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर साफ साफ राधा बोल रही है कि मैंने तुलसी दी के मर्डर केस के बारे में कुछ जानती तक नहीं हूँ और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बात की जाए इस समय कावेरी की और दामिनी की, तो दामिनी और कावेरी का बहुत बड़ा हाथ था तुलसी को मारने में, इसलिए वो अपना हर तरीका से अपना जुर्म को राधा के कंधों पर डालना चाहती हैं, ताकि राधा हमेशा हमेशा के लिए मोहन की ज़िंदगी से और इस घर से बाहर हो जाए। हालांकि दोस्तों मोहन गुनगुन इस समय साथ दे रहे हैं राधा का, क्योंकि उन्हें अब पता इस चीज़ का कि हाँ राधा कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकती, ना ही किसी के बारे में बुरा सोच सकती। ऐसा काम करना तो खाली एक इंसान कर सकता है, वो है दामिनी, क्योंकि दामिनी अपनी चाल हमेशा अलग ही ढंग से खेलती हैं। और दामिनी का हमेशा से ही पैतरा रहा है कि दूसरों को जितना हो सकता है दूसरों को टॉर्चर करो, तंग करो। वाकई में ये काम रहा है हमेशा की तरह। एक बार फिर से कहानी में एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट आते हुए नजर आने वाले हैं साथियों। आप लोग जानते हैं कि इस समय राधा को बेल दिलाने में पूरी तरीका से सक्षम होने वाले हैं मोहन साथी। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।